हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शेखर और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फीफा फूस। सो अगर लास्ट फ्राइडे यानी कल की बात करें, बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई भेड़िया। भेड़िया जिसका ट्रेलर एक महीने पहले रिलीज हुआ था और उसके ट्रेलर को काफी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। कुछ लोग इसके बारे में अच्छी बात कर रहे थे, कुछ लोग इस बारे में नेगेटिव बात कर रहे थे। तो अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो बहुत लोग का कहना था कि बहुत टाइम बाद बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म, एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाई जा रही है जिसको देख के बहुत अच्छा लगता है। अगर हॉरर कॉमेडी की बात करें तो हॉरर कॉमेडी मोस्टली लोगों को पसंद आती है अगर उसको सही अमाउंट में उसमें कॉमेडी और पंचलाइन डाली जाए और हॉरर का भी जो तड़का है वो अच्छा हो, तो हॉरर कॉमेडी बॉक्स ऑफिस पे जनरली काम करती है। चाहे वो रूही हो, चाहे वो गोलमाल जो हॉरर कॉमेडी बनाई थी विद परिणीति चोपड़ा, और जो फिल्में आती हैं हॉरर कॉमेडी का जो जॉनरा है वो काफी लोग एक्सपेरिमेंटल लगता है और लोग काफी इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो फाइनली आफ्टर डिबेट ट्रेलर रिलीज होने के बाद जो भी डिबेट हुआ है कि ये फिल्म अच्छी होगी या नहीं होगी, इसको सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फाइनली ये फिल्म रिलीज हो गई और पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया 12 करोड़ रुपए। तो फ्राइडे की अगर बात करें तो ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शोज में काफी कम थी, मॉर्निंग शो में 12-15% की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे शोज बढ़ते गए, धीरे धीरे जैसे आफ्टरनून में हो गया, फिर इवनिंग में हो गया, धीरे धीरे बॉक्स ऑक्यूपेंसी बढ़ती गई, ऑडियंस बढ़ती गई और कुछ सिनेमाघरों में हाउसफुल भी रहे इसके शोज। अगर हम रिव्यू की बात करें तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है लोगों का, पॉजिटिव रिव्यू दिया है लोगों ने इस फिल्म को। बहुत लोगों ने कहा है कि ये फिल्म जो है हमें सराहनी चाहिए क्योंकि ये किसी भी चीज का रीमेक नहीं है, इस फिल्म को डिफरेंटली कुछ नया ट्राई किया है। वीएफएक्स की अगर बात करें तो वीएफएक्स की तारीफ है सबकी, जो वरुण धवन, कृति सेनन, अभिषेक बैनर्जी, दीपक डोबरियाल, ये जितने भी कास्ट हैं इनकी काफी तारीफ हो रही है, स्पेशली दीपक डोबरियाल की। अगर बात करें वरुण धवन के कैरेक्टर की तो वरुण धवन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि उनको एक भेड़िया काट लेता है और उसके बाद वो भेड़िया बन जाते हैं, वो लोगों को काटने लगते हैं और काफी कुछ उनके लाइफ जर्नी में चेंज होता रहता है। और इस फिल्म में एक और बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है, वो ये है कि कैसे हमें जंगल को बचाना है, अगर हम जंगल नहीं बचाएंगे, और जो मेन मैसेज मुझे लगता है इस फिल्म में जो दिया गया है वो यही है कि अगर जंगल नहीं बचाएंगे तो जंगल तो हमारा जो बैलेंस है, जो ह्यूमंस जो रहते हैं और जो एनिमल्स रहते हैं वो काफी बिगड़ सकता है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो जानवरों को काफी दिक्कत हो जाएगी, उनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऑल्सो इस फिल्म में जो भेड़िया का रेफरेंस है वो किसी वेस्ट साइड से नहीं दिया गया है, वो पूरी स्टोरी इंडियन रूट से बताई गई है और कुछ नया बताया है जो लोगों को ज्यादातर नहीं पता है। अगर एक्टिंग की बात करें, वीएफएक्स की बात करें और सबसे बेस्ट जो इस चीज में है वो सिनेमेटोग्राफी, काफी अच्छी सिनेमेटोग्राफी आपको देखने को मिलती है, काफी ऐसा रियल फील होता है कि आप एक्चुअली जंगल में है। और सबसे अच्छी जो इसकी बात है कि कोई भी वीएफएक्स या कोई भी क्रोमा यूज नहीं किया गया है, फिल्म्स एक्चुअल लोकेशन में शूट हुई है और फिल्म्स को जो टच दिया गया है वो एक्चुअल लोकेशंस का दिया गया है, कोई भी क्रोमा या कोई आर्टिफिशियल वे में शूट नहीं किया गया है, वो एक और इसका बेस्ट पार्ट है। तो आप जाइए नियर सिनेमा घरों में मूवी देखिए और हमें बताइए कि भेड़िया मूवी आपको कैसी लगी, आपको कैसा लगा इस फिल्म का नया एक्सपेरिमेंट और आपको क्या लगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ कमाने को डिजर्व करती है या नहीं करती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में फ्राइडे सैटरडे को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करती है और ये अपनी 100 करोड़ की रेस में शामिल होती है या नहीं। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम नई नई अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।